number 5 live doubt sessions mentoring sessions conducted regularly to stay in touch with our students number 6 the handwritten notes that are given to student that enables him to revise every chapter in less than 30 minutes number 7 affordable prices at which this batch is available so that this is not heavy on your pocket. Click on the link below to enroll now and know the complete features of the batch. Enroll now in iVision classes for your CA Inter Advanced Accounting preparations because of the following features. Number one, video content available with unlimited views. Number two, printed books delivered to your home. Number three, past year exam questions, RTPs, mock test papers solved in class. Number four, daily practice questions given to the student. Number five, live doubt sessions, mentoring sessions. Conducted regularly to stay in touch with our students. Number six, the handwritten notes that are given to students that enables him to revise every chapter in less than 30 minutes. Number seven, affordable prices at which this batch is available. So that this is not heavy on your pocket. Click on the link below to enroll now and know the complete features of the batch. Enroll now in iVision classes for your CA Inter Advanced Accounting preparations because of the following features. Number one, video content available with unlimited views. Number two, printed books delivered to your home. Number three, past year exam questions, RTPs, mock test papers solved in class. Number four, daily practice questions given to the student. Number five, live doubt sessions, mentoring. वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरी वन वेरी वेरी गुड इवनिंग क्या हाल है भाई आप लोगों के वेरी वेरी गुड इवनिंग हां जी कैसे हैं आप सब फटाफट से लाइव चैट पर बताइए क्या मेरी आवाज लाउड एंड क्लियर है आप सभी बच्चों को या फिर नहीं वेरी वेरी गुड इवनिंग फुल ऑफ एनर्जी फुल ऑफ रिगर फुलटी टू डू ग्रेट वर्क बेटा एक एनर्जी होनी चाहिए जब हम क्लास को ज्वाइन करें तो एनर्जी ऐसी होनी चाहिए कि सर आज तो अपने पास एक और टॉपिक खत्म करने की बात आई है वन शॉर्ट में आज एक और बड़ा टॉपिक जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओहो हो, हो हो सर मैं तो आपको क्या ही बताऊ मैंने कहा बेटे क्या हो गया सर ये टॉपिक से तो बहुत डर लगता है ऐसा क्या है इस टॉपिक में सर बस क्या बताऊं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इतना 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 डर लगता है कि आपको मैं क्या बताऊं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने बैठता हूं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता बैलेंस शीट मैच ही नहीं होती इतने क्वेश्चन हाथ से लगा लिए कितने क्वेश्चन रीड कर लिए बैलेंस शीट नहीं मैच हो रही ओहो हो हो बेटा तकलीफ तो तुम्हारी बिल्कुल जेनवन है तो सर आज उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करूंगा ध्यान से पूरे के पूरे लेक्चर को सुनिएगा वन शॉट मतलब अपने पास एक घंटे के अंदर अंदर हमने क्या करना है पूरा कंप्लीट रिवीजन भी कर लेना है लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम लोग आपको लिखवाएंगे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके आईसीआई मॉड्यूल में से हैं और साथ ही साथ आपके साथ डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे डिस्कशन ऑन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम आपके साथ करेंगे चलो जी बहुत ही बढ़िया है फटाफट से सर एकदम फुल ऑफ एनर्जी है बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया चलो फटाफट से जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो एक बार फटाफट से और बता दो कि तुम लोग हो एकदम फुल ऑफ एनर्जी चलिए जी बिल्कुल बेटा बिल्कुल हर एक चैप्टर अपने आप में एक कंप्लीट रिवीजन है आपने अपने पास अगर चैप्टर कर रखा है तो आप कहीं से भी रिविजनरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं सबसे पहले अपने पास सबसे पहले अपने पास एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं आइए बेटा आज की क्लास को शुरू करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके पास हंड्रेड आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा और इसका क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं दस से चौदह नंबर के बीच में यह चैप्टर आपके पास आपके एग्जाम में आएगा मतलब दस से चौदह नंबर का तो एक फुल फ्लैज क्वेश्चन होगा उसके अलावा अगर एक या दो नंबर का एमसीक्यू आपके पास एक या दो सॉरी क्वेश्चन एमसीक्यू के मतलब दो या चार नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन भी इसमें से आपके पास कवरेज आपको मिलेगी ही मिलेगी तो मतलब पंद्रह से सोलह मार्क्स के बीच में यह चैप्टर आपके पास रेंज करने वाला है एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल मत करना चलिए जी चैप्टर का ओवरव्यू एक आपसे डिस्कशन करते हैं चैप्टर ब्रॉडली तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एक है बेसिक थ्योरी अबाउट द कंपनी दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स के बारे में डिस्कशन और तीसरा है शेड्यूल थ्री का डिस्कशन जिसके ऊपर हमारे सारे के सारे जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं मेजॉरिटी यहां से 90 परसेंट हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर होता है इस चैप्टर में तो सबसे पहले जो ये बेसिक थ्योरी अबाउट द कंपनी आपके पास है इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर्ड है इसमें वही चीजें कवर्ड है जो हमने आपको सीए फाउंडेशन में और सीए इंटर के लॉ के सब्जेक्ट में पढ़ाई है जैसे कि कंपनी क्या होती है आर द टाइप्स ऑफ कंपनी कंपनी के फाइनल अकाउंट कैसे बनते हैं ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है आपके पास आप इजिली अगर आपने अपनी लॉ की क्लासेस अटेंड करी है तो आपका यहां पर इजी कवरेज रहेगा जो सीए हमारे पास हमारे मास्टर बैच के स्टूडेंट्स हैं जो सीए इंटर मास्टर बैच या फिर रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं नवंबर 24 वाले आपकी क्लासेस के अंदर मैंने ये वाली थ्योरी भी कंप्लीटली डिस्कस करी हुई है डिटेल में डिस्कस करी हुई है और इंपॉर्टेंट मार्किंग्स भी करवा रखे हैं इस थ्योरी में से तो आप अपने पास थ्योरी को अपने ही मॉड्यूल में से रेफर करेंगे जो चीजें ऑलरेडी थ्योरी फॉर्मेट में हम लॉ में कवर कर रहे हैं आई एम नॉट टेकिंग दोज थिंग्स इन द रिविजनरी क्लासेस ठीक है यहां पर हमने कोशिश करना है अपने पास प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने का मैक्सिमम तो ये थ्योरी सेम एज लॉ है आपने वहां से अपने पास कवर कर लिया तो ऑटोमेटिकली यहां पे हो जाएगी बेसिक थ्योरी है बिल्कुल उसके बाद जो सेकंड चीज हमारे पास आती है जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पे आपको पांच नंबर का देखने को मिल सकता है एग्जाम में जाकर वो है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन सर ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का डिस्कशन क्या है अब यहाँ पे बेटा इसके अंदर आपसे बात करी गई है डिविडेंड्स को लेकर आपसे इंस्टीट्यूट ये बात करता है कि लेट सपोज बेटा कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक सिनेरियो इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर कंपनी के पास एडुक्ट प्रोफिट्स एडुक्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है सर सफिशियंट प्रॉफिट है जितना डिविडेंड वो बांटना चाहते हैं जितनी उनकी इच्छा है उनके पास सफिशियंट प्रॉफिट है बांटने के लिए तो कंपनीज एक्ट कहता है हम उन पर कोई लिमिट नहीं लगाएंगे आपका जितना मन करे आपका मन करता है हंड्रेड जो प्रॉफिट कमाया है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना लेकिन यहां पर टेक्निकलिटीज कहां पर आती हैं और क्वेश्चंस कहां पर बनते हैं सर क्वेश्चन बनता है कि अगर मान लीजिए कंपनी के पास इन एडुक्एट प्रॉफिट है यानी कि कंपनी ने अपने पास एक लाख रुपए कमाया और कंपनी की शेयर कैपिटल है वन करोड़ और कंपनी कह रही है हमें टेन परसेंट डिविडेंड देना है तो कंपनी टेन लाख का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है कंपनी ने प्रॉफिट कितना कमाया वन लाख का अब एक बात बताओ कंपनी कमा रही है एक लाख और कहती है शेयर होल्डर को टेन लाख डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो क्या यह कहना सही है कंपनी के लिए भाई कंपनी तुमने कमाया तो है नहीं एक तो तुम एडुकुट प्रॉफिट नहीं कमा पाए और ऊपर से कह रहे हो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहते हो वो भी अपने प्रॉफिट्स का टेन टाइम तो मतलब तुम कोई जनरल रिजर्व या कोई फ्री रिजर्व को यूटिलाइज करोगे तो कंपनी है अगर तुम ऐसा करोगे तो यहां से क्रेडिटर्स और लेंडर्स की जो सिक्योरिटी है वो रिड्यूस होगी तो इस वजह से कंपनीजैक्ट कुछ प्रोविजन देती है कुछ लिमिट्स देती है कि इससे ज्यादा तुम विड्रॉल नहीं कर सकते आउट ऑफ योर फ्री रिजर्व ये पूरा के पूरा एक टॉपिक का ओवरव्यू है साथ में आपको डिविडेंड से रिलेटेड अदर थ्योरेटिकल डिस्कशन भी इस टॉपिक में देखने को मिलेगा तो आइए एक बार स्टार्ट करते हैं सबसे पहली चीज जो आपको समझनी है वो है कि डिविडेंड क्या होता है डिविडेंड होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट जो हमारे पास हमारा फाइनली नेट प्रॉफिट निकल कर आता है आफ्टर पेइंग ऑल द टैक्सेस एंड आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट कॉस्ट सब कुछ चार्ज करने के बाद जो हमारे पास हमारा पैट आता है पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स

कि डिडेंट इंक्लूड्स इंटरिम डिविडेंट अब बच्चा पूछता है इंटरिम क्या है सर एक ऐसा दो जो दो एजीएम के बीच में दिया जाता है डिविडेंड बेटा हमेशा बोर्ड रेकमेंड करता है और शेयर होल्डर ऑथोराइज करते हैं अपने एजीएम में आकर अगर दो एजीएम के बीच में मतलब अभी एक एजीएम हुआ अगले साल का एजीएम होने से पहले बीच में ही कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड तो वो कहता है कि इंटरिम डिविडेंट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन डिविडेंट ये बोलने का इंटेंट क्या है ये ये बोलने का इंटेंट है मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर जो रूल्स डिविडेंट पर अप्लाई होते हैं वही सेम रूल इंटरिम डिविडेंट पर भी अप्लाई होंगे जब डेफिनेशन ऐसे बोलती है ना डिविडेंट इंक्लूड इंटरिम डिविडेंट दैट मीन दोनों पे रूल एकदम बराबर का अप्लाई होने वाला है आगे चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंट की बात ये चैप्टर आपसे करता है जिससे रिलेटेड सबसे पहले हमें यह समझना है कि अगर कंपनी के पास एडुक्ट प्रोफिट अवेलेबल हैं फिर तो कंपनी है मैं कोई लिमिट नहीं लगा रहा कंपनी कैन गिव एनी परसेंटेज ऑफ डिविडेंड जो तुम्हें अच्छा लगे तुम वो दे देना यह चीज की क्लैरिटी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास नहीं होती स्टूडेंट यह सोचता है कि कंपनीज एक्ट में लिमिट लिखी हुई है तो भाई साहब हमेशा ही वो लिमिट लगानी है द आंसर इज नो क्लैरिटी लो अगर कंपनी के पास प्रॉपर प्रॉफिट्स हैं तुम पे कोई लिमिट नहीं है यू कैन गिव एनी परसेंटेज लेकिन अगर इनएडुकुट प्रॉफिट है या फिर इनएडुकुएट प्रॉफिट और कंपनी के पास क्या है लॉसेज है लॉस यानी कि कंपनी ने इस साल कमाई ना कर ज्यादा पैसा गवा दिया है नेट लॉस हो रहा है कंपनी में और कंपनी कहती है मुझे फिर भी अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना है तो उस सिनेरियो में कंपनी जैक कहता है भाई साहब आप पर कुछ लिमिट्स लगाई जाएंगी कि आप अपने फ्री रिजर्व्स में से कितना पैसा यूटिलाइज कर सकते हैं तो वो कहता है द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आपको इन सभी के सभी कंडीशंस का पालन करना पड़ेगा ऐसा नहीं है किसी एक का कर दिया दूसरे का नहीं करना जी जी नहीं आपको सबका पालन करना है बोलो पांच कंडीशंस बोलो पांच कंडीशंस कौन सी आपको बताई थी सर जी सबसे पहली कंडीशन जो मेरा रेट ऑफ डिविडेंड होना चाहिए जो मैं इस साल में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूं वो रेट ऑफ डिविडेंड शुड नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ लास्ट थ्री प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयरस तो शॉर्ट में हमें उसे कैसे याद करना है द रेट ऑफ डिविडेंड शुड बी लेस देन और इक्वल टू द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ऑफ लास्ट थ्री ईयर्स तो तीन साल के पिछले तीन साल के डिविडेंड से ज्यादा डिविडेंड हमने इस साल में नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना है आगे की बात कौन सी आती है आगे कहता है जो अमाउंट आप अब विड्रॉ करने जा रहे हो अपने रिजर्व्स में से वट अमाउंट यू आर विड्रॉइंग फ्रॉम योर रिजर्व दैट शुड बी लेस देन दैट मींस इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन वन टेंथ ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व अब बच्चे का यहां पर सवाल आता है सर पेड अप शेयर कैपिटल में क्या सिर्फ इक्विटी होता है या क्या सिर्फ प्रेफरेंस होता है या दोनों होते हैं सर यहां पर इक्विटी प्लस प्रेफरेंस मेरे प्यारे बच्चों दोनों रहता है तो अपने पास इस बात की क्लैरिटी लेना जब तक एग्जामिनर नहीं बोलता या लॉ मेकर नहीं बोलता पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल अपनी तरफ से मत लिया करो कि पेड अप शेयर कैपिटल इज इक्विटी शेयर कैपिटल नो माई डियर स्टूडेंट सो द अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द रिजर्व मतलब मैक्सिमम तुम रिजर्व में से कितना निकाल सकते हो दैट शुड नॉट एक्सीड वन टेंथ ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व इतना आप मैक्सिमम उसमें से विड्रॉ कर सकते हो

तो तुम्हें उसको भी क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों उनको भी तुम्हें पहले डिविडेंड देना पड़ेगा उसी के बाद तुम इक्विटी को दे सकते हो तो पहले जो भी यूटर... जो भी तुमने अमाउंट विड्रॉ किया है उससे ये दोनों काम करने हैं एंड द बैलेंस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड तो आप अपने पास बैलेंस इक्विटी डिविडेंड के लिए यूज कर सकते हैं फोर्थ कंडीशन इज कि आपने एक बार विड्रॉल कर लिया उसके बाद जो बैलेंस बचेगा आपके फ्री रिजर्व में ग्रेटर देन और इक्वल टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ द पेडअप शेयर कैपिटल अब यहां पर दोबारा से पेडअप शेयर कैपिटल लिखा है तो क्या मुझे दोबारा बताने की जरूरत है कि पेडअप इज इक्विटी प्लस प्रेफरेंस बोथ पेडअप इज इक्विटी प्लस प्रेफरेंस बोथ मतलब कि तुमने एक बार विड्रॉल कर लिया लेकिन आफ्टर विड्रॉल ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजर्व का बैलेंस ही बिल्कुल खत्म हो गया तुम इतना विड्रॉ नहीं कर सकते यू हैव टू इंश्योर देखो रिजर्व से दो कंडीशन मिल रही हैं यहाँ पे एक पॉइंटर नंबर बी और एक पॉइंटर नंबर डी पॉइंटर बी कहता है तुम कितना मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो और पॉइंटर नंबर डी कहता है आफ्टर एक्सट्रैक्शन रिजर्व में कम से कम इतना बैलेंस तो होना चाहिए अब बच्चा कहता है सर अगर मान लीजिए मैं विड्रॉल कर रहा हूं 1/10th का और मेरे रिजर्व का बैलेंस वहां पर 15% ऑफ पेड शेयर कैपिटल से घट रहा है मतलब उससे भी कम हो रहा है तो मैं क्या विड्रॉल कर सकता हूं कंडीशन बी को फॉलो करते हुए the answer is no. ये आपको लिमिट दे गई है मैक्सिमम विड्रॉल की यह मैक्सिमम विड्रॉल है कि आप इससे ज्यादा विड्रॉ नहीं कर सकते या आप मैक्सिमम वन टेंथ तक विड्रॉ कर सकते हो लेकिन अगर वन टेंथ मतलब टेन परसेंट अगर विड्रॉ करने के बाद आउट ऑफ द अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व उन दोनों को मिलाकर जो दस परसेंट आप विड्रॉ कर रहे हैं अगर उसके विड्रॉल के बाद जो बैलेंस बच रहा है मेरे फ्री रिजर्व में वो पंद्रह परसेंट से भी नीचे आ रहा है ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल फिर आपको लिमिट करना पड़ेगा टिल दैट पॉइंट कि वो पंद्रह परसेंट से नीचे ना आए अपू फिफ्टीन परसेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व आपके मेंटेन रहे एंड लास्ट कंडीशन इज की अगर कोई लॉस ऑफ प्रीवियस ईयर है दैट इज ऑल्सो टू बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट द प्रोफिट ऑफ करंट ईयर अगर आप विड्रॉल करके आ रहे हैं यू हैव टू मेक श्योर कि आप प्रीवियस ईयर के लॉसेस को भी और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन को भी राइट ऑफ करें और उसी के बाद आप अपनी अपने डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करिए भैया देखो सिंपल सा लॉजिक है इस बात के पीछे तुम कह रहे हो तुम्हें डिविडेंड बांटना है और तुम प्रीवियस ईयर से अपने पास लॉसेस कैरी फॉरवर्ड कर आ रहे हो तो पहले उस लॉसेस जो कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है उनको एब्जॉर्ब कर लो करंट ईयर के लॉसेस को एब्सॉर्ब कर लो फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके तो मार्केट में अच्छी रिफ्लेक्शन देना चाहते हो और अपने ही कंपनी के अंदर लॉसेज ही लॉसेज लौसीज़ एक्यूमुलेट हो रहे हैं कंपनी जैक्ट कहता है ऐसा काम हम आपको नहीं करने देंगे इसके ऊपर आपके पास एक इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर वन और अगर आप आईपीएम को रेफर कर रहे हैं जो जिनके पास पूरा प्रिंटेड बुक है उसमें मल्टीपल इलस्ट्रेशन और मल्टीपल क्वेश्चन हमने ऐसे इन टॉपिक्स पे करे हुए हैं प्राइमेली आपके पास वहां पे तीन कंडीशन ही लगती हैं क्योंकि दो थोड़ी थियोरटिकल कंडीशन हैं तो तीन कंडीशन आपके पास वहां पर प्राइमेरिली लगती है मैं उनको मार्क कर देता हूं एक ये लगती है एक ये लगती है और एक ये लगती है वहां पर जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनर पूछता है तो वो आपको कहता है कि भाई साहब सेटिस्फाई करके बताइए क्या आप इतना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं या क्या आप इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो प्राइमेरिली ये जो मैंने जिनको पर्पल से बॉक्स बनाया है जिनके ऊपर ये वो कंडीशंस हैं जो आपके क्वेश्चंस में प्राइमेरली लगती हैं ये वो प्रैक्टिकल कंडीशन है कि द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंट शुड नॉट एक्सीड दॉरी द रेट ऑफ डिविडेंट शुड नॉट एक्सीड द एवरेज रेट ऑफ डिविडेंट ऑफ पास थ्री ईयर सेकेंड जो आप मैक्सिमम विद्रॉल कर सकते हो दैट शुड नॉट एक्सीड वन टेंथ ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड थर्ड जो आप अमाउंट विद्रॉ कर रहे हैं आफ्टर विदड्रॉल द अमाउंट ऑफ फ्री रिजर्व शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू फिफ्टीन परसेंट ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल मतलब इट शुड नॉट फॉल बिलो फिफ्टीन परसेंट ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल ये इसका प्रैक्टिकल पार्ट है जो हम लोगों को अपने पास रिवाइज करना है बाकी इसके इसके बाद बाद जब हम ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात फिनिश कर लेते हैं वी हैव सम अदर थ्योरी पोर्शन रिलेटिंग टू द डिविडेंड्स रेगुलर क्लास वाले बच्चे आपके मॉड्यूल्स में इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स मार्क करवाए हुए हैं पूरा एक टाइमलाइन बनवाया हुआ है कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड कब तक रिलीज हो जानी चाहिए अगर उतने पीरियड में टाइमलाइन अगर उतने पीरियड में डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता तो फिर हमें उसे कहां पर ट्रांसफर करना है एक सेपरेट बैंक अकाउंट में वो वाला सारा आपने अपने पास रीड करके जाना है अकाउंट्स के लिए क्यों क्योंकि आप इसको ऑलरेडी लॉ में पूरा कवर करते हैं डिविडेंड से रिलेटेड डिस्कशन आप कंपनीज एक्ट का वहां पर भी करते हैं बाकी आपके यही सेम डिस्कशन आपके मॉड्यूल में भी लिखा हुआ है तो ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है डिविडेंड में से प्रैक्टिकल आपको क्वेश्चन यहां से मिलेगा उसको मैं मार्क भी करवा दूंगा आपके मॉड्यूल में से तो सर जी ये दो डिस्कशन करने के बाद हमारा जो तीसरा डिस्कशन है वो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन बनता है जहां से आपका एक्चुअल में देखो प्राइमेरे uh, तो इस चैप्टर में शेड्यूल थ्री है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगर एग्जामिनर को लगा तो वो पांच मार्क्स का या चार मार्क्स का क्वेश्चन यहां से दे सकता है चार से पांच मार्क्स का मतलब दो तीन अटेम्प्ट के बाद यहां से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि ठीक है भाई एक डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी एक बार उन्होंने एग्जाम में पूछ लिया वैसे प्राइमरली दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसपे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है चलो भाई चलो फटाफट फड़ से जितने भी बच्चों के लिए वीडियो यूजफुल हो रही है आप लाइव बैठे हैं चाहे आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हैं सर के मोटिवेशन के लिए और बेटा जी अपने पास अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को फटाफट फड़ से एक बार लाइक कर दो और अगर अभी तक भी आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया मैक्सिमम टाइम्स में देखता हूं रिकॉर्डेड बैकअप में जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं दे डू नॉट वैल्यू द एफर्ट्स ऑफ देयर मेंटर और वो लाइक और सब्सक्राइब किए बिना भी वीडियोस को अपने पास सिर्फ देखकर चले जाते हैं तो एक आप छोटा सा सपोर्ट अपने पास जो दिखा सकते हैं वो है कि आप एक लाइक कर दीजिए एटलीस्ट हमको एक मोटिवेशन मिलता है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर, कर जाना है बात समझ में आ रही है चलो जी तो ये दो डिस्कशन हो गए तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन है हमारा शेड्यूल थ्री का इसको मैं आज आपके पास डिटेल में करने वाला हूं जो हमने अपने पास रेगुलर क्लासेस में किया है ना डिस्कशन वैसे ही लेवल का डिस्कशन करने वाला हूं अब यहां प्रॉब्लम क्या होती है जो अदर देन आई विजन स्टूडेंट्स हैं ध्यान से मेरी बात को सुन लो एक कॉमन प्रॉब्लम है जो मैंने आउटसाइड आई विजन ये देखी है कि आप लोग शेड्यूल थ्री को इज्जत नहीं देते आप सीधा क्वेश्चन करने पर उतर आते हो आपको लगता है बस शेड्यूल बना दिया जहां पर भी आपने किया बस एक शेड्यूल का एक फॉर्मेट बना लिया कॉपी में कभी उसको बैठ के समझा नहीं कि भाई उसकी इज्जत नहीं करी कि वो शेड्यूल बोलता क्या है आज हम क्लास में वही करने वाले हैं तो जिन्होंने रेगुलर किया है वो तो साथ साथ रिवाइज करेंगे ही अब शेड्यूल थ्री का अनेक्जर हम पूरा समझेंगे मैं जानता हूं प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो तुम लगा लेते हो फिर गलतियां इसलिए होती है क्योंकि शेड्यूल थ्री क्लियर नहीं है क्लासिफिकेशन क्लियर नहीं है शेड्यूल थ्री की तो अपने पास ये शेड्यूल थ्री कराने के बाद कुछ की पॉइंट भी दूंगा लेक्चर को पूरा ध्यान से सुनना अपने पास एक काम करो अपने मॉड्यूल में जो अनेक्जर वाला पोर्शन है जहां पर शेड्यूल थ्री गिवन है वो उसको निकालो ये हमारे रेगुलर बैच का डिस्कशन है जहां पर हमने वो पूरे के पूरे अनेक्जर को एक एक चीज को क्लास में समझा है दैट इज द इनडेप्थ दैट इज द ब्यूटी जो हमने अपने पास क्लास में कवर करी है आ जाओ भाई अपने पास अब बैलेंस शीट पे कम टू पेज नंबर इलेवन पॉइंट वन फोर जीरो ऑफ योर मॉड्यूल शेड्यूल थ्री एक बार समझ लो कभी भी बैलेंस शीट पी के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे जब तक शेड्यूल थ्री नहीं समझोगे ये सोचोगे कि ये टाइम वेस्ट है जिंदगी लगा लो शेड्यूल थ्री के क्वेश्चंस गलत ही करते रहोगे क्योंकि कभी क्लासिफिकेशंस क्लियर होंगी ही नहीं आज कोशिश करते हैं पूरे शेड्यूल थ्री को क्लास में याद कर कर जाएंगे सर जी सबसे पहला पार्ट हमारा कौन सा होता है पार्ट नंबर वन दैट इज द बैलेंस शीट हम अपने पास नेम ऑफ द कंपनी लिखते हैं आई विजन लिमिटेड और बैलेंस शीट एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च लिखते हैं अब सर जी यहां पर ये जो बैलेंस शीट है ये एज पर हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मैच करते हुए बनाई गई है तो थोड़ा सा शेप फॉर्मेट वैसा है बाकी इंडिया की बैलेंस शीट डिफरेंट रहती है अब सर जी इस बैलेंस शीट को आपने लर्न बाय हार्ट ये सारे वही नोट्स हैं बेटा जो हमने रेगुलर क्लासेस में लिखे हुए हैं अगर कोई रेगुलर क्लास का स्टूडेंट बैठा है तो आप ये सारी चीजें आई होप आप लोगों ने भी अपनी कॉपीज में लिखी थी उस टाइम पे जब मैं लिख रहा था सो लर्न बाय हार्ट एंड सेकेंड थिंग इज कि आपकी इतनी स्पीड होनी चाहिए कि ये आपको अपने पास फॉर्मेट दो से तीन मिनट के अंदर मैक्सिमम अपनी कॉपीज जो एग्जाम आएगा वहां पे उतार देना है पूरा स्ट्रेटेजी दूंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है पहले शेड्यूल थ्री समझते हैं पर्टिकुलर नोट नंबर फिगर्स ऑफ करंट ईयर फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर सर सबसे पहले हमारे पास आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी चार पार्ट्स में ये वाला पोर्शन हमारे पास डिवाइड होता है इक्विटी और लाइबिलिटी सबसे पहला पार्ट शेयर होल्डर्स फंड शेयर होल्डर फंड मतलब हम बात कर रहे हैं मालिकों का पैसा फिर दूसरा वाला पार्ट शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट तीसरा पार्ट नॉन करंट लाइबिलिटीज चौथा पार्ट करंट लाइबिलिटीज ये चार पार्ट हैं जिसके अंदर कंपनी की सारी इक्विटी और लाइबिलिटी को कंपनीज एक्ट डिवाइड करता है उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है हमारा शेयर होल्डर फंड शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आ जाता है हमारे पास एक आ जाती है शेयर कैपिटल जहां पर सारा प्रेफरेंस सारा इक्विटी जो भी आप अपने पास कवर कर रहे हैं आप इसी के नोट नंबर में लिखते हैं ऑथराइज कैपिटल कितनी है इशूड इशुड पेड अप सब कुछ यहां पे कवर होता है आपके पास दूसरा पॉइंट आता है रिजर्व एंड सरप्लस का रिजर्व एंड सरप्लस में दुनिया जहान के जितने रिजर्व हैं पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो अमेलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व बोलो कहां जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में अरे सर वो तो नेगेटिव नंबर है क्या हुआ पीएनएल का डेबिट बैलेंस कहां जाता है रिजर्व एंस सरप्लस में सारे रिजर्व सारे सरप्लस फ्री रिजर्व हो सिक्योरिटी प्रीमियम हो कुछ भी हो सब कुछ रिजर्व एन सरस में लिखना हैगेंस्ट शेयर वॉरेंट ये हमारे पास हमें नॉर्मल क्वेश्चंस में अभी नहीं देखने को मिलता शेयर वॉरेंट्स के अगेंस्ट अगर कोई पैसा आया है तो कंपनी उसको यहां पर दिखाती है ये कंप्राइज करता है हमारा शेयर होल्डर फंड इसके बाद क्या आता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट मतलब सीए फाउंडेशन में से याद करो एप्लीकेशन मंगाते थे अलॉटमेंट करते थे लेट सपोज एंड पर एग्जामिनर एक क्वेश्चन डालता है एक एमसीक्यू डालता है आपके पास इयर एंड पर आपको कहता है कि शेयर एप्लीकेशन मनी मंगा ली है लेकिन उसमें से अलॉटमेंट 50% परसेंट की होगी 50% परसेंट को रिफंड करेंगे और तुम्हें कहता है बैलेंस शीट बनाओ और तुमको नंबर दे दिया यानी कि कह रहा है एक लाख रुपए का एप्लीकेशन आया है पचास हजार की अलॉटमेंट होनी है पचास हजार का रिफंड होना है बताओ जी कहां पर इसका रिफ्लेक्शन होगा शेड्यूल थ्री के हिसाब से कहां करोगे सर अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा यह लिखा था रेगुलर क्लास में सर अगर कोई शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट वाला है उसका अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो उसका कहां पर क्लासिफिकेशन होगा अंडर हेड इक्विटी एंड लाइबिलिटी मतलब हम कह रहे हैं ये वो पचास हजार रुपए है जो तुम यहां पर डालोगे लेकिन अगर कोई ऐसी शेयर एप्लीकेशन मनी है जिसको तुम कह रहे हो तुमने रिफंड करना है जिसको तुम कह रहे हो तुमने रिफंड करना है तो वो कहां जाएगा ओसीएल में शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग रिफंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है आपके पेपर में वो आपके पास केस स्टडी डालकर कहेगा कंपनी ने इतना पैसा मंगाया इतना रिफंडेबल है कहां रिफ्लेक्शन करना है मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहां लिख देते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कि यहां पर जब रिफंड हो जाएगा तो देखेंगे जी नहीं वो ओसीएल में जाता है यहां जाता है वो ओसीएल में चलिए जी आगे अपने पास सबसे पहले हमने क्या समझ लिया है हमने समझ लिया शेयर होल्डर फंड हमने समझ लिया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट अब उसके बाद हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आती है नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी अब सर नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी के अंदर एक सवाल मेरे पास यूजुअली स्टूडेंट से आता है कहते हैं सर हम मेन हेडर्स तो सेम रखेंगे क्या जो ये सब हेड्स हैं जैसे ये लॉन्ग टर्म बोरिंग पहले है और फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है क्या ये अगर ऊपर नीचे हो जाए तो नंबर कटेगा देखो बेटा आइडली अगर मैं आपको आइडल सिनेरियो में बोलूं तो आपकी कुछ इसी तरीके से प्रेजेंटेशन होनी चाहिए जिस ऑर्डर में ये लिखा हुआ है लेकिन फॉर एग्जाम पर्पसेस अगर मान लीजिए आपसे गलती से प्रोविजन पहले और लॉन्ग टर्म बोरिंग बाद में आ गया आई डोंट थिंक सो एग्जामिनर इतनी छोटी सी चीज पर आपके नंबर कट करेगा लेकिन फिर भी अगर हम अपने पास कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं फॉर्मेट की तो हम कोशिश करेंगे हम फॉर्मेट को इज्जत देंगे वैसे के वैसे ही काम करेंगे तो अपने पास लॉन्ग टर्म बोरिंग में क्या आ जाता है जो भी मेरे लोन्स हैं डिबेंचर्स हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है आगे बताऊंगा लोन्स है डिवेंचर है डेफर टैक्स में हमने पढ़ रखी है जब मैंने अपने पास मुझे ज्यादा डिडक्शन मिल जाते हैं इनकम टैक्स में एज कम्पेयर टू माई अकाउंटिंग इनकम तो मैं कम टैक्स डिपॉजिट करके आया हूं तो मेरा डी क्रिएट होता है वो ए एस ट्वेंटी टू की रिविजन में आपके पास कवर हो जाएगा अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में क्या आ जाता है मेरे सिक्योरिटी डिपॉजिट्स आ गए या और कोई अदर मेरे पास फंड आया हुआ है जिसको मुझे फ्यूचर में जाकर अपने पास पे कराना है यहाँ पर मेरे लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स ये देखो यहां पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल लॉन्ग टर्म ट्रेड पेबल्स भी कवर हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजन कौन से होते हैं जो मोर देन ट्वेल्व मंथस वाले प्रोविजन है अगर कोई केस चल रहा है मुझे लग रहा है इसको दो तीन साल लग जाएंगे तो मैंने कोई एक प्रोविजन बना लिया मुझे लग रहा है मैं हारूंगा लेकिन आ, मैंने मेरे को पता है कि अभी पेमेंट नियर फ्यूचर में नहीं आएगी दो साल तक इसका सेटलमेंट मुझे करना है तो मैंने लॉन्ग टर्म एक प्रोविजन बनाया एम्प्लॉई के प्रोविडेंट फंड ग्रेचुअटी के कोई जो इंप्लॉय रिलेटेड प्रोविजन है वो सब लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आते हैं ये हो गई मेरी नॉन करंट लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज में क्या है शॉर्ट टर्म बोरोइंग अब लॉन्ग टर्म का ही ये देखो इसको याद कैसे करना है ऊपर लॉन्ग टर्म नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग सीधा सीधा ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट है वहां पर लॉन्ग टर्म वाली नीचे शॉर्ट टर्म वाली अब डीटीएल यहां पे कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता तो इधर क्या आ गया ट्रेड पेबल्स ट्रेड पेबल को दो कैटेगरी में बताना होता है एक एमएसएमई -E वाले एक नॉन एमएसएमई -E वाले मतलब माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से क्या ड्यू है और अदर देन सॉरी oh, उनको क्या ड्यू है उनको हमें क्या देना है और साथ में अपने पास यहाँ पर अदर uh, देन को भी हमने क्या पे करना है इसके बाद अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आता है तो वहां क्या आएगा अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज अदर करंट लाइबिलिटीज जिसको हम बोलते हैं ओ सी एल और बाद में अपने पास जैसे लॉन्ग टर्म प्रोविजन है वैसे ही नीचे आ गया अपने पास शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहां पर मेरे शॉर्ट टर्म प्रोविजन वाली बातें आ जाती हैं जैसे कि अपने पास कोई शॉर्ट टर्म Uh, मेरे को लग रहा है क्लेम्स हैं जो मेरे को अभी छह महीने में अगले छह महीने में सेटल करने हैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया और कोई मेरे को कोई एक्सपेंसिज हैं जिसके लिए मैंने कोई प्रोविजनिंग क्रिएट करी है कोई लाइबिलिटीज हैं जिसकी प्रोविजनिंग क्रिएट करी है ए एस के अंदर तो वो सब कुछ यहां पर कवर हो जाता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग थी इसकी अब इसका डिटेल्ड ओवरव्यू आगे गिवन है शेड्यूल में उस पर भी हम चलेंगे फिर हमारे पास एसेट साइड आती है एसेट साइड बहुत ही ब्यूटीफुल है सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइडेड है और में भी सबसे पहले आपके पास क्या आ जाते हैं और इसको समझते हैं ये वहीं से कवर होता है इनटेंजेबल ए एस छब्बीस में समझते हैं उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस माने की टेंजेबल एसेट्स का वर्क इन प्रोग्रेस और इनटेंजेबल एसेट अंडर डेवलपमेंट आगे वो दे रखा है तो टेंजेबल इनटेंजेबल एसेट आ गए इसके अलावा मेरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आती हैं जिसको हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बारह महीने से ज्यादा समय के लिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं फिर डी आता है जो अगेन ए एस में हम कवर करते हैं कि भाई साहब अभी मैंने जो टैक्स डिपॉजिट किया है वो ज्यादा कर दिया है फ्यूचर में जाके मुझे उसका बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में मुझे कम टैक्स देना पड़ेगा तो डी क्रिएट होता है ए एस में पूरा रिवाइज करवाऊंगा लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस मैंने कोई एडवांस दे रखे हैं यहां पर मतलब मैंने किसी को लोन दे रखा है

इन्वेंट्री बेची क्रेडिट पर और कैश रिसीव किया तो इन्वेंट्री सबसे पहले आएगी बेची क्रेडिट पर यानी कि डेटर्स आएंगे उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए और कैश रिसीव किया तो फिर कैश और कैश इक्वेलेंट आएगा तो ये मेमोरी टेक्निक से हम अपने पास क्या याद रख सकते हैं इसका ऑर्डर याद रख सकते हैं इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्वेलेंट और फिर सिंपली ऊपर से ये लॉन्ग टर्म का शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करंट एसेट्स का अदर करंट एसेट्स अब ये फॉर्मेट हमको क्या करना है चार से पांच बार अपनी कॉपी में लिख लेना है और कोशिश करना है कि इसको दो से तीन मिनट के अंदर अंदर इसको साथ में पीएनएल को दोनों को दो से तीन मिनट के अंदर हमको पूरा करना है और ये सर ये तो नामुमकिन है हमने आई विजन में रेगुलर क्लास में किया है तीन मिनट का टाइमर लगा के पी और बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट जो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनना चाहिए वो वाला पूरा बनाया है क्लास तो नामुमकिन तो नहीं है तुम्हारे दोस्त कर रहे हैं ऑलरेडी तो ये मत कहना कि नामुमकिन है अब सर इस बैलेंस शीट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो आपके आगे एक्सप्लेनेशन में गिवन है वो मैं आपको मार्क करवा देता हूं ये जनरल इंस्ट्रक्शन है हमने जो क्लास में पढ़ी थी करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी के क्लासिफिकेशन को लेकर इसके अंदर सबसे पहले अपना शेयर कैपिटल के अंदर प्रॉपर आप लोगों को पूरा डिस्कलोजर्स देने हैं कि ऑथराइज कितना है इशूड कितना है सब्सक्राइब कितना है पेडअप कितना है एंड एवरीथिंग वो सब चीजें आपको बतानी है अलग से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर सारे रिजर्व आ गए यहां पर एक ये जो मैंने स्टार मार्क किया हुआ है एडिशन और डिडक्शन फ्रॉम रिजर्व एंड सरप्लस एग्जामिनर इन चीजों को देखता है क्या आपने दिखाया है या नहीं दिखाया ये सुन लो मेरी बात ध्यान से बच्चे क्या करते हैं जैसे मान लीजिए अगर बोनस इशू की कोई एडजस्टमेंट आई तो जनरल रिजर्व में से सिर्फ माइनस करके नेट नंबर दे दिया जबकि एक्चुअल प्रेजेंटेशन क्या बोलती है अगर आपने जनरल रिजर्व के लिए कोई पी मतलब जनरल रिजर्व या PNL से पैसा या किसी भी रिजर्व से पैसा निकाला है तो आप उसके नीचे अलग से माइनस करके बताइए क्लास में हमने किया है ऐसा यूटिलाईज फॉर बोनस इशू प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ उसको वहां पर दिखाइए सर टाइम बहुत लगता है इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगता अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम उन चीजों को अपने पास टाइमली मैनर में कर पाओगे तो जो भी आपका एडिशन या डिडक्शन है फ्रॉम द रिजर्व वो आपको बैलेंस शीट के नोट्स में रिफ्लेक्ट करना होता है इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंटर है यहां पे जो दो नंबर का आपके पास बन सकता है वो क्या है कि जो भी आपका डेबिट बैलेंस है PNL का वो भी आपके रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया जाएगा उसको आप अदर करंट एसेट्स में ना दिखाइएगा वो सी फाउंडेशन वाली बातें पीछे छोड़कर आना उसको कहा दिखाना है आपने रिजर्व एंड सरप्लस में इवन इफ इट रिफ्लेक्ट्स

आपको अपने आप बताना पड़ेगा बाकी बैलेंसिंग फिगर अदर देन बैंक से से है ये वो यहाँ पे नंबर कटते हैं बच्चों के ध्यान बात सुन लो एक नंबर इसका होगा नोट्स टू अकाउंट्स में अलग से बताना है बैंक से कितना है और अदर देन बैंक अगर उसने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है बच्चा कहता है क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन ना हो तो क्या करूं तो नलायक क्या करोगे सारा का सारा टर्म लोन एक ही लाइन में लिखोगे फिर इंफॉर्मेशन है तभी करना है ये काम ठीक है अगली चीज जो वो आपको चेक करेगा वो ये चेक करेगा ये सब आपको रेगुलर क्लासेस में मैंने स्टार मार्क करवा रखा है तो जो स्टूडेंट्स रेगुलर क्लासेस से बैठे हैं उनके लिए तो ये डबल रिवीजन होनी चाहिए हर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस भी किया है रिवीजन भी चल रही है उन्हीं चीजों की आपसे वो चेक करेगा सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स में क्या आपने अलग अलग उसकी क्लासिफिकेशन करी या नहीं करी आईपीएम का एक क्वेश्चन था याद करो आईपीएम के क्वेश्चन में सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन दिया था और उसमें से उसने आपसे क्या चेक किया था साथ में करंट मेच्योरिटीज वाला पार्ट भी बता दिया था हमने प्रॉपर प्रेजेंटेशन क्लास में किया था उसका कि सिक्योर्ड इतना है अनसिक्योर्ड इतना है उसमें से करंट मेच्योरिटीज में इतना शिफ्ट हो गया है तो ये एक और चीज वो आपसे चेक करेगा क्या आपने नोट्स टू अकाउंट्स में बताई या नहीं बताई इसके अलावा पीरियड ऑफ डिफॉल्ट ये एक चलो आपको एडिशनल डिस्क्लोजर है अदर करंट अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल है और अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर ये सब मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन के लिए प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी ये सब बता दिया आपको लीगल क्लेम शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में भी अगेन ये पॉइंटर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बोरोइंग फ्रॉम बैंक एंड अदर देन बैंक ये पॉइंटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड लोन्स एंड एडवांसिस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज अगर कोई डायरेक्टर्स के से लोन आया है तो आपको उसको अलग से रिफ्लेक्ट करना है उसको दूसरों के साथ मर्ज नहीं करना उसका एक सेपरेट हेड देना है लास्ट इंपॉर्टेंट चीज पे वो आपको टेस्ट करेगा दैट वुड बी क्या आपने ये करंट मेच्योरिटीज को अलग से डिस्क्लोज किया वो कहेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड इट इंक्लूड्स करंट मेच्योरिटीज अमाउंटिंग टू टू लैक क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं मल्टीपल करंट मेच्योरिटीज को उससे माइनस करके करंट मेच्योरिटीज को कहां पर दिखाना है ओसीएल में करंट मेच्योरिटीज को कहां दिखाना है OCL में है ना बेटा कहां दिखाते हो करंट मेच्योरिटीज फ्रॉम लॉन्ग टर्म लोन फटाफट से बताओ कहां दिखाते हो किधर जाता है ये वाला हेडर करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन ओसीएल में जाता है क्या अरे बोलो ना सो गए क्या क्या हो गया सर आपकी रिवीजन है या हमारी रिवीजन है नलायकों वेरी वेरी गुड धीरू सर यह स्पेशल पॉइंटर है यहां पे एग्जामिनर जरूर टेस्ट करेगा यह जाता है करंट ऑफ लॉन्ग टर्म टर्म लोन्स जाता है शॉर्ट के अंदर एक ही बच्चा पढ़ रहा है केवल बाकी सारे नलायक अपने पास मजे करने बैठे हैं क्लास में यह रहा अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर करंट मेच्योरिटीज ऑफ फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन ये बात एक अलग है आगे आएगा अभी आपके पास ये वाला शॉर्ट टर्म बोरिंग वाला पॉइंटर अच्छा ये शॉर्ट टर्म बोरिंग वाला पॉइंटर ही था ओके तो अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग का पॉइंटर आता है तो वो यहां पर आएगा ओसीएल में नहीं जाएगा और इसके बाद ओसीएल में जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स रहते हैं जहां पे एग्जामिनर आपको टेस्ट करता है वो क्या है दो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स इंटरेस्ट अक्रूड बट ड्यू इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू यहां पे एग्जामिनर और आपको टेस्ट करता है ये दोनों के दोनों ओसीएल का ही पार्ट होते हैं इनका मतलब क्या है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में आपको ये रहा वो डायग्राम जिस डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया था तो इंटरेस्ट अक्रूड बट ड्यू बट नॉट ड्यू दोनों ओसीएल का पार्ट होते हैं अदर देन दैट इनकम रिसीव डीन एडवास अनपेड डिविडेंट एप्लीकेशन मनी ये सब आपका उन्हीं चीजों का पार्ट है बाकी सारी चीजें जहां पर मेरे को लग रहा है जो इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहा हूं और एग्जामिनर चेक करेगा जब आपको पीपीई का नोट देगा आपके पीपीई के नोट में कहा नंबर कटेंगे आपको मैंने क्लास में रिको बनवाया था जब मैंने आपको बताया था कि हर 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 एक 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 एसेट और सॉरी पीपीई के लिए आपको ग्रॉस ब्लॉक में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करके उसका नेट ब्लॉक दिखाना है यहां पर और एग्जामिनर आपको देखेगा कि आपने वो काम किया है या नहीं किया है मैंने आपको उसका सजेस्टेड आंसर भी दिखाया था क्या आपको याद है हमने क्लास में आपको पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन का सजेस्टेड आंसर भी दिखाया था कि एग्जामिनर एग्जामिनर कैसी प्रेजेंटेशन मांग रहा है आपसे आपके आईपीएम में दिया भी है जो अदर देन आई विजन स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं सर क्वेश्चन नंबर वन ऑफ आईपीएम अगर आप जाकर देखोगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा ये रहा बुक वैल्यू अक्यूमलेटेड डेप्रीसीन डब्ल्यू डी करंट ईयर डप्रिसिएशन और करंट ईयर डब्ल्यू डी ये वो रिको है जो आपको रिलायंस की बैलेंस शीट खोलकर सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं वहां पर भी सेम था जी हाँ सर तो क्लास में तुमने प्रैक्टिकली भी उन चीजों को कवर किया है रिको आपने बनाना है अपार्ट फ्रॉम दैट इनटेंजिबल के लिए भी एक सिंपल ऐसा ही रिको रहता है जब हम इनटेंजिबल एसेट की बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स के अंदर जो स्पेशल डिस्कलोजर हैं वो आपको बता रहा हूं अब ये जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स इसमें एक इंपॉर्टेंट डिस्कलोजर जो आपका एग्जामिनर आपसे टेस्ट करेगा वो ये है कि वो आपको कोटेड और अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स दे सकता है ये हमने आपको क्लास में करवाया भी है इस पे क्वेश्चन वो आपको बता सकता है इतनी इन्वेस्टमेंट्स कोटेड है इतनी अनकोटेड है तो दोनों का डिस्क्लोजर अलग से करना पड़ता है एक हेडर बनता है कोटेड हम लिखते हैं इन्वेस्टमेंट्स उसमें लिखते हैं कोटेड वाली कितनी है सबसे पहले और फिर उसके बाद बताते हैं अनकोटेड कितनी है यहां पे आ गई कि शेयर्स ऑफ रिलायंस शेयर ऑफ टाटा शेयर ऑफ इन्फोसिस यहाँ पे आ जाएगा इन्वेस्टमेंट इन आई विजन लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन विपुल ढल लिमिटेड वो अनकोटेड इन्वेस्टमेंट्स यहां आ जाएंगी तो ये वाली चीज एग्जामिनर आपको और टेस्ट कर सकता है इस चीज पे भी लॉन्ग टर्म एडवांसेस के अंदर अगेन वो देखेगा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड और डाउटफुल में आपने क्लासीफाई करके बताया कि नहीं बताया ये सारे पॉइंटर्स को बेटा स्टार मार्क कर लेना ये वो पॉइंटर्स बता रहा हूं जो एग्जामिनर आपके नोट्स टू अकाउंट्स में चेक करेगा कि आपने प्रेजेंटेशन दिया है या नहीं दिया है अभी तक तुमने प्रैक्टिस नहीं किया तो अब सुधार कर लो समय है अभी भी तुम्हारे पास अदर नॉन करंट एसेट्स में अगेन अगर कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल्स आ रहा है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डाउटफुल यहां पर हमने ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड कुछ बातें देखी हुई हैं क्या बताया था नॉर्मल जो ट्रेड रिसीवेबल आता है उससे रिलेटेड ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड सर हमने एक बात करी हुई है क्या बात करी है ये रहा वहां पर क्वेश्चंस में हमको देखने को मिलता है मोर देन सिक्स मंथस एंड अदर्स ऐसे आपको एग्जामिनर कहता है मैंने क्वेश्चन डाला है आईपीएम में आपके मोर देन मंथ्स वाले ट्रेड रिसीवेबल हैं छ लाख रुपए के तो टोटल ट्रेड रिसीवेबल में से हमें अलग से बताना पड़ता है कि मोर देन सिक्स मंथ्स और अदर्स ऐसे करके रिफ्लेक्शन देकर आनी पड़ती है मैं एक ही जगह टोटल नहीं लिख सकता यह डिस्क्लोजर का पार्ट है छह महीने से ज्यादा वाले और अदर्स कौन से हैं तो वो एक डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है आपके पास जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डाउटफुल डेट को आपको उसके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को देखो शेड्यूल थ्री कहता है बच्चा पूछता था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या मैं शॉर्ट टर्म प्रोविजन में दिखा सकता हूं द आंसर इज स्ट्रिक्टली नो शेड्यूल थ्री ने क्या बोला है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आप डेटर्स में से ही रेलिवेंट हेड से माइनस करके बताएंगे शेल बी डिस्कलोज अंडर द रेलिट हेड सेपरेटली तो ये सारी की सारी बातें आपके शेड्यूल थ्री से डिराइव हो रही हैं इसलिए इसको स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंटर जो एग्जामिनर पक्का चेक करेगा और रिलायंस की बैलेंस शीट में दिखाया था वो आपको कहेगा देर आर बैंक डिपोजिट मोर देन ट नब्बे परसेंट बच्चे जिन्होंने शेड्यूल थ्री नहीं पढ़ा वो ये गलती करके आएंगे पेपर में बैंक डिपॉजिट ऑफ मोर देन टंथ डालकर आएंगे अदर नॉन करंट एसेट्स में और वहीं पर वो आपको जीरो दे देगा उस पॉइंटर के जो बैंक डिपॉजिट्स हैं आपके जो भी फिक्स डिपॉजिट्स हैं फॉर मोर देन ट्वेल्व आल्सो वो भी आपके कैश और कैश इक्वलेंट का ही पार्ट होते हैं शेड्यूल थ्री में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है ये देखो क्या लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों भाई साहब आपकी जितनी भी क्लासिफिकेशन है रिलेटिंग टू बैंक और बैंक डिपॉजिट्स और कैश वो सब इसी हेडर में आती है आप डिस्क्लोजर अलग से देते हैं दैट दीज डिपॉजिट्स आर फॉर मोर देन मंथ्स रिलायंस की बैलेंस शीट याद है क्लास में देखी थी वहां उन्होंने भी बताया हुआ था दैट अमाउंटिंग टू पांच हजार करोड़ के कुछ इन्वेस्टमेंट्स थे जो मोर देन मंथ्स वाले थे फिक्स डिपॉजिट्स कैश और कैश इक्वल में ही दिखाना है बेशक वो नॉन करंट नेचर के हैं बट क्या लॉजिक दिया था तुम्हें अगर जरूरत पड़ेगी तो फिक्स डिपॉजिट को इमीडिएटली तोड़कर पैसा निकाल सकते हो तो वो भी तुम्हारे लिए रेडी कैश ही है बेशक उसका टेन्योर मोर देन मंथ्स है लेकिन स्टिल इट इज अ रेडी कैश फॉर यू लॉजिक याद आ गया जी हां सर जी तो ये वाली चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपका लेट सपोज कैश इज ईयर मार्क्ड ईयर मार्क्ड का मतलब कोई डिफाइंड पर्पज के लिए अलग से रखा हुआ है तो उसे भी हमें सेपरेटली स्टेट करना पड़ता है जैसे अनपेड डिविडेंड का हो गया या कोई और रिस्ट्रिक्शन है अगर उसके ऊपर तो वो हम अलग से दिखाते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं इसके बाद इसके बाद आपके पास क्या आता है यहां पर कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट्स ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है एग्जामिनर पूछता है इससे रिलेटेड भी आपको दे देगा बिल डिस्काउंटेड एक कॉमन एंट्री है उसकी बिल डिस्काउंटेड की एंट्री दे, दे देगा पेपर में और कहेगा इसका रिफ्लेक्शन करो बिल डिस्काउंटिंग बिल डिस्काउंटेड आपके लिए क्या बनता है एक सीएल बनता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी आपने बिल डिस्काउंट करा लिया है अगर मान लीजिए आपके डेटर ने बैंक को पेमेंट ना कराई तो बैंक आपके खाते से वो पैसे काटेगा तो वो आपके लिए एक सीएल है तो सीएल में क्या क्या चीजें कवर हो जाती है क्लेम्स अगेंस्ट कंपनी नॉट एक्नोलेज जैसे कि कोई मेरे अगेंस्ट लीगल सूट है जिसको मैं अभी तक कह नहीं रहा कि वो मेरी डेट बनेगी कोई गारंटीज अगर मैंने दिए हैं किसी और के लिए एंड अदर मनीज फॉर द कंपनी लाइबल लाइक बिल डिस्काउंटेड अब मैंने बिल डिस्काउंट करा लिया है डेटर ने पेमेंट ना कराई तो मेरे uh, मेरे बैंक से पैसे कट जाएंगे तो कंटिजेंट लाइबिलिटी और कमिटमेंट इसके ऊपर इलस्ट्रेशन भी है हमारे पास कि एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स जिन कॉन्ट्रैक्ट्स में मैं ऑलरेडी है, है एक एक तो भी नहीं सुनता क्या एग्जाम्पल था कि सर जी अगर हमने एक बार मशीनरी परचेज की कमिटमेंट कर दी है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर लिया है जिससे हम पीछे नहीं हट सकते या इंपोर्ट रिलेटेड कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट कर लिया है तो उसके अंदर मुझे उसे कमिटमेंट्स का पार्ट बनाकर डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि इससे मैं पीछे नहीं हट सकता तो वो मेरे को मेरे को यूजर uh, को इंफॉर्मेशन जाती है कि ये मेरे को फ्यूचर में कैश आउटफ्लो होगा दैट आर नॉट प्रोवाइडेड फॉर अनकॉल लाइबिलिटी ऑन द शेयर दैट आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट एंड अदर कमिटमेंट्स अगर मैंने और कोई दिए हैं तो ये एक अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है शेड्यूल थ्री में से जो आपके पास आपके पेपर में एग्जामिनर पूछ सकता है इसके अलावा आपका जो पी है जो आपका पी है स्टेटमेंट ऑफ पी एन एल अगेन दो पार्ट में प्राइमेली डिवाइडेड है एक है इनकम और एक है एक्सपेंसिस इनकम के अंदर आपके फर्दर दो पार्ट आते हैं एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एक अदर इनकम मतलब जो आप अपने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस इन द कोर्स इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो आप अपने पास कमाई कर रहे हैं वो आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का पार्ट बनता है और अदर इनकम लाइक डिविडेंड रेंटल्स अगर आप और कुछ कमा रहे हैं तो वो आपके अदर इनकम का पार्ट बनता है इसके बाद अब ये जो एक्सपेंसेस के हेड हैं ये आपको एज इज याद रखने हैं एज इज याद रखने हैं आप इसको ऊपर नीचे ना करिएगा प्लीज कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है आप चार पांच बार लिखेंगे फॉर्मेट आपको याद हो जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम आपके पास परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड अब इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस इन तीनों का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन रेगुलर क्लासेस में इन तीनों का लॉजिक आपको दे रखा है लॉजिक का ये लो तुमको एक ओवरव्यू ये मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग अकाउंट बना के दिखाया था कैसे सीए फाउंडेशन की नॉलेज सिमिलरली शेड्यूल थ्री ने भी अपने पास अप्लाई करी है सारी बातें कर रखी हैं ऑलरेडी कि सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड का हेड रॉ मटेरियल कंज्यूम बना दिया जो परचेजेज है उसको अलग से दिखा दिया और जो भी चेंजेस इन इन्वेंट्री है ये ये ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को एडजस्ट करके दिखा दिया ओपनिंग फिनिश फिनिश गुड्स गुड्स क्लोजिंग को ट्रेडिंग अकाउंट में से एडजस्ट करके वो सब चीजें आपके पास शेड्यूल थ्री ने वैसे ही इनकॉर्पोरेट करी है जैसे सी ए फाउंडेशन में तुमने पढ़ी थी उसके बाद हमारे पास सबसे पहले आता है इम्प्लॉय का पैसा फिर लेंडर का पैसा फिर डेप्रीसिएशन और फिर अदर एक्सपेंसेस एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस फाइनेंस कॉस्ट डेप्रीसिएशन और अदर एक्सपेंस इस पे हमने डिटेल बात कर रखी है इम्प्लॉय के सारे खर्चे फाइनेंस कॉस्ट माने ए एस सोलह में जो जो हमने बातें करी हुई हैं डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन ए एस टेन और ए एस छब्बीस ए एस टेन प्लस ए एस छब्बीस की सारी बातें और अदर एक्सपेंसेस जो ऊपर ना कवर हुआ वो सारा का सारा कहाँ जाएगा अदर एक्सपेंसेस में अब पीएनएल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर तुमसे एग्जामिनर पूछ सकता है पीएनएल में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है जिसमें अगर अभी सुन लोगे ना शायद पेपर में बच जाओगे नब्बे परसेंट बच्चा गलत करके आएगा अभी बता रहा हूँ यहां पर पॉइंटर आता है यहां पर पॉइंटर आता है आपका लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट अब लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एक बड़ी ही अमेजिंग एडजस्टमेंट है जो इंस्टीट्यूट ने पास्ट में पूछी है अपने एग्जाम क्वेश्चन में बच्चा क्या करता है इसको अदर एक्सपेंसिस में डालता है और फिर क्लेम करता है कि मेरा प्रॉफिट तो सेम आया है इंस्टीट्यूट कहता है कि अगर आपने उसको अदर एक्सपेंसिस में डाला तो आपका एक तो टोटल इनकम गलत टोटल एक्सपेंस गलत प्रॉफिट मैच कर रहा है तो कोई बात नहीं टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस के तीन नंबर गए तुम्हारे और एक हेडर गलत तुम्हारा अदर इनकम वाला तीन नंबर गवा देते हो एक गलत एडजस्टमेंट करके अदर इनकम का पार्ट होता है लॉस ऑन उन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आपकी जो भी अदर इनकम है लेट सपोज इंटरेस्ट इनकम आ रही है सौ रुपए की डिविडेंट इनकम आ रही है पचास रुपए की और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है लेट सपोज बीस रुपए का तो वो उसको आपको यहां से लेस करके बताना है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर है बेटा अगर ये क्लासेस यूजफुल हो रही है ना कहीं ना कहीं तुम्हारे करियर में कुछ जोड़ रही है तो एक लाइक like जरूर कर देना वीडियो को और किसी अपने दोस्त के साथ शेयर कर देना उसके लिए भी ये रिविजनरी क्लासेस हेल्पफुल हो सकती है लाइक like करने में तुम्हारे कोई जेब से जाएगा नहीं बस एक ये होता है कि हमारे को अच्छा लगता है कि जितने बच्चों के लिए यूजफुल हुआ वो लाइक like कर कर गए अभी भी इसमें हजारों नलायक होते हैं जो बोलने के बावजूद भी कहते हैं नहीं करेंगे तो उनके लिए मैं नहीं बोल रहा जो एटलीस्ट इन चीजों से दे आर ग्रेटफुल कि हाँ हमारे को कुछ ना कुछ एड ऑन हो रहा है हमारी नॉलेज में वो लाइक like करके जरूर जाना रिकॉर्डेड में देख रहे हो चाहे लाइव में देख रहे हो डज नॉट मैटर ये आपके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे शेड्यूल थ्री के अब इसके साथ हमारा शेड्यूल थ्री का डिस्कशन खत्म होता है अब बच्चा कहता है सर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता बेटे पता है क्यों नहीं सॉल्व होता क्योंकि अभी तक तुमने शेड्यूल थ्री पे टाइम लगाया ही नहीं था तो मैं पता ही नहीं था कहा क्या चीज जानी है और किसका रिफ्लेक्शन कैसा करना है अब शेड्यूल थ्री पढ़ लिया है शेड्यूल थ्री पढ़ने के बाद नाउ यू हैव टू रिवाइज यू हैव टू डू दो कुछ की पॉइंट समझिएगा इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है अगर पी और बैलेंस शीट वो दोनों पूछेगा तो क्वेश्चन आएगा चौदह मार्क्स का मतलब आपके पास आपको पता है ना चौदह चौदह मार्क्स के आपके छह क्वेश्चन आएंगे और बाकी तीस नंबर का आपका आ, ये एमसीक्यू आएगा और उन छह में से पांच क्वेश्चन करने होंगे आपको तो डायरेक्ट चौदह नंबर का आपके पास क्वेश्चन आएगा अगर पी बैलेंस शीट का पूछता है और अगर सिर्फ पी और सिर्फ बैलेंस शीट पूछी तो दस मार्क्स का क्वेश्चन आएगा हाँ अब तुम्हारे ऊपर एग्जामिनर ज्यादा ही कुर्बान हो गया कि कह रहा है थोड़ा और इनको टेस्ट करते हैं तो पीएनएल बैलेंस शीट को वो दस मार्क्स में पूछ सकता है कट्ठे अब ये तुम्हारे आंसू निकलवाएगा अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अपने पास ये पीएनएल बैलेंस शीट के क्वेश्चन को लास्ट में पिक करना ये एक स्ट्रेटेजी पॉइंट है एग्जाम में जाकर स्ट्रेटेजी नहीं बनती उससे पहले बनती है इसलिए ध्यान से सुन लो अगर चौदह मार्क्स में आ रहा है क्वेश्चन को दो तीन क्वेश्चन करने के बाद पिक करना अगर पीएनएल बैलेंस शीट तुम पे एग्जामिनर कुर्बान हुआ और दस नंबर में पूछ लिया तो लास्ट में पिक करना क्यों क्योंकि ये बहुत टाइम लेने वाला है पहले बाकी सारे क्वेश्चन फटाफट खत्म कर लो ठीक होगी बात वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए उसको क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा क्वेश्चन हाव यू नेवर नो और सिर्फ पीएनएल सिर्फ बैलेंस शीट दस मार्क्स में आएगा अब इन क्वेश्चन को करने की स्ट्रेटेजी क्या है क्लास में भी रेगुलर वालों को भी यही बताया हुआ है पांच बार कम से कम आप पूरा पीएनएल पूरा बैलेंस शीट का फॉर्मेट अपनी कॉपी में लिखिए और लिखना कैसे है स्टॉपवॉच लगाकर बिना स्टॉपवॉच लगाए अगर आप लिख रहे हो तो फिर तो आप एक सी करोगे आपका पेपर ना कंप्लीट होने का क्वेश्चन सॉल्व करना स्टॉप वॉच लगा के टारगेट क्या है तीन मिनट में पूरा पी और बैलेंस शीट का ढांचा बनाना है नंबर नहीं लिखना है ढांचा बनाना है ये तीन मिनट बच्चा कहता है अनअचीवेबल है नहीं है रेगुलर क्लासेस में रेगुलर क्लास में किया है हमने ये और बच्चे मेरे से पहले बना लेते थे ये भी रियलिटी आपको अभी बता दूं मेरे से भी ज्यादा तेज लिखते हैं वो तो सर जी फॉर्मेट तीन मिनट में आराम से बनता है मैंने देखा है रेगुलर बैचेज में और एक क्या दो क्या चार बैचेज में देखा है हर बैच के बच्चे करते हैं टारगेट टाइम टू सॉल्व अब अगर चौदह मार्क्स का क्वेश्चन आ गया आपके पास लेट सपोज फोर्टीन मार्क्स का क्वेश्चन है टारगेट टाइम इज ट्वेंटी मिनट्स इससे ज्यादा अगर आपने एग्जाम में टाइम लगा दिया तो आपका एक क्वेश्चन छूट रहा है एग्जाम के टाइम को कैसे डिवाइड करना है पांच मिनट रीडिंग में देना इस क्वेश्चन को पांच मिनट लग जाएंगे तुमको इसको डिसाइफर करते करते तीन मिनट में फॉर्मेट बनना चाहिए और बारह मिनट है सॉल्व करने के लिए अब ये वो बच्चा कर पाएगा जिसके पास है हैंड रिटन प्रैक्टिस मैं जानता हूं नलायक तुम लोगों ने सिर्फ इन क्वेश्चन को रीड किया है और जब तुम हैंड रिटन प्रैक्टिस करने बैठते हो तो तुम पचास पचास मिनट एक क्वेश्चन में लगाते हो भाई नहीं चलेगा मैं पहले ही बता रहा हूं वहां तुमको बहुत क्वेश्चंस करने हैं और एमसीक्यू भी आ रहे हैं तुम्हारा पेपर लेंदी है रोलो इस बात पे लेकिन पेपर लेंदी आएगा अकाउंट्स का आधे से ज्यादा तो खिलाड़ी अकाउंट्स का पेपर देखने के बाद आगे जाएंगे ही नहीं पेपर देने क्योंकि अकाउंट्स में सिलेबस बढ़ गया है ये मैं रेगुलर क्लासेस से बोलता आ रहा हूं एग्जामिनर नहीं छोड़ेगा अकाउंट्स के पेपर में तुमको लेंदी पेपर आएगा हैंडराइट प्रैक्टिस कर लो हाथों को आदत डालो तीन तीन घंटे लिखने की अब इस टाइम पर तुम क्या कर सकते हो बेस्ट स्ट्रेटेजी तीन से चार क्वेश्चन को बाय हैंड रिटर्न प्रैक्टिस लिखो टाइम बेस्ड मैनर में और बाकी सारे क्वेश्चन को अब समय कम है रीड इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट क्लास में स्टार मार्क करवाई हुई हैं सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स आईपीएम हो चाहे तुम्हारा ये हो आईसीआई मॉड्यूल उन इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स का सिर्फ एडजस्टमेंट देख जाओ एंड मेक द लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स विद ट्रीटमेंट इन योर रजिस्टर ताकि पेपर से पहले बुक के इतने पन्ने ना पलटने पड़े इंपॉर्टेंट बनवाया था ना क्लास में याद है तुमको याद है रजिस्टर के अंदर पूरे लिखवाई थी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट के नाम से एक एक करके सारी चीजें तो वैसा हमने काम करना है मैं देखता हूं अगर हमारे पास यहां पे मिल गया लेट मी जस्ट रिफ्लेक्टेड फॉर नॉन आई विजन स्टूडेंट कि सर आप इससे क्या कहना चाहते हो बेटा मैं ये कहना चाहता हूं ये देखो ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बेटा पांच से सात मिनट क्लास थोड़ी ऊपर जाएगी अकोमोडेट करेंगे कैसे लिखने होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स अब जैसे मान लो ये इलस्ट्रेशन पांच है यहां पे मैं कोई एडजस्टमेंट कर रहा हूं ये क्लास में लिखवाया तुमको लोन्स ए अनसिक्योर्ड वाले इट कैन बी एज्यूम टू बी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म नोट इट इज प्रेफर्ड भाई तू शॉर्ट टर्म अज्यूम कर एज सजेस्टेड बाय आईसीआई अब बच्चा ये देख के हंसने लगा हा, 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 ये क्या लिखा है सर ने. ये सर ने ने ये वो लिखा है जो तुम्हें अपने लिए लिखना है तुम्हें उस तरीके से अपने पास अपने इंपॉर्टेंट पॉइंटर छोड़ने हैं जो एग्जाम तक तुम याद रखते अंग्रेजी में लिखो हिंदी में लिखो रीजनल लैंग्वेज में लिखो वैसे लिखो जैसे तुम्हें याद आए और इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन को रेफर करते हुए लिखो आगे आगे अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट में अनसिक्योर्ड है क्या ट्रीटमेंट होगा देखो इलस्ट्रेशन फाइव में से दैट मीनस अगर वो ऑलरेडी बैलेंस शीट में हमें ट्रीटमेंट दिखाना है तो जस्ट फॉर नॉलेज आपको ये दो एंट्रिया बनवाई थी लोन्स एंड एडवांस इफ नथिंग इज में लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म अजन क्लियरली बताओ ये सारे वो कौन से पॉइंटर हैं जो हमने क्लास में किए हैं हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसे बनाने हैं अपने लिए खुद इन क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करो पूरा पूरा क्वेश्चन दोबारा नहीं कर पाओगे ये काम कर लो मान जाओ आई हैव डन इट इन फाइनल्स पूछते हो ना रैंक कैसे आती है ये शॉर्ट समरी अपने लिए बना लो ये बड़े चैप्टर्स की लोन्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टी क्या करना है और लोन्स टू रिलेटेड पार्टी दे आर जनरली अज्यूम टू बी शॉर्ट टर्म जैसा इंस्टीट्यूट करता है वैसा हमने अपने पास एक अपनी कॉपी में लिख लिया

तो ये आपको कह रहा हूं कि जब मैं आपको कह रहा हूं कि आप सारे क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स को एक जगह लिस्ट कर लो एग्जाम से पहले बस वही दो तीन पन्ने बनेंगे उनको पढ़ के जाओगे पूरा चैप्टर चैप्टर रिवाइज हो जाएगा इस को ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे एंड देयर इज स्टेप मार्किंग अगर तुम्हारी बैलेंस शीट नहीं मैच होती तो काटना मत क्वेश्चन को मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट क्या करता है बैलेंस शीट नहीं मैच हुई कट मैं दूसरा क्वेश्चन करूंगा अरे बेटा इतना टाइम नहीं होगा पेपर में कि तुम एमसीक्यू भी कर जाओगे छे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे इतना टाइम नहीं होगा भाई स्टेप मार्किंग है अगर बैलेंस शीट ना भी टैली हुई ना क्वेश्चन को कट मत करना तुम्हें स्टेप मार्किंग में नंबर कुछ तो चार पांच मिलेंगे ही मिलेंगे चार पांच मिलेंगे ही मिलेंगे और व्हाट इज द ऑर्डर टू सॉल्व अब ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है बच्चे का मैसेज आता है सर क्या मैं पहले पीएनएल बना दूं और फिर बैलेंस शीट बनाऊं क्या मेरे नंबर कटेंगे या पहले मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी और फिर PNL बनाना कंपनीज भी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रही हैं वो यही करती हैं पहले बैलेंस शीट फिर पी एन एल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यही होता है क्लासेस में हंड्रेड परसेंट क्वेश्चन भी हमने वैसे ही सॉल्व करें और तरीका भी बताया है कैसे करना है ढांचा बनाकर अपने पास एक प्लानिंग करनी है नोट्स की और पी एन एल को पहले बना के फिर बैलेंस शीट पे आना है लेकिन अब हद से हद सिनेरियो में क्योंकि बच्चा फिर क्या है ना बिल्कुल ही एकदम वो हो जाता है कि नोशोर मैं नहीं कर सकता अगर समय बहुत कम रह गया तुम्हें लग रहा है दस मिनट बचे हैं अब बस पेपर खत्म होने वाला है तो केवल पीएनएल बना देना कम से कम पंद्रह में से या चौदह में से पांच या छह तो मिल जाएंगे वो तब करना जब समय बहुत कम रह जाए अदरवाइज पहले पी एन एल फिर बैलेंस शीट लेकिन अगर समय बहुत कम हो तो पी एन एल का फॉर्मेट मत बनाने में लग जाना समझ आई बात कि पहले बैलेंस शीट दिखानी है फिर पी एन एल बनाना है भाई बैलेंस शीट का फॉर्मेट को छोड़ देना सीधा पी एन एल बनाना क्योंकि फॉर्मेट बनाने में तीन मिनट खराब हो गए फॉर्मेट सिर्फ खाली फॉर्मेट के नंबर नहीं होते ऐसे पेपर मैंने चेक करे हैं जब खाली फॉर्मेट दे जाता है बच्चा कि एग्जामिनर एक नंबर तो दे देगा फॉर्मेट लिखने के नहीं देता वो जब तक उसमें नंबर्स नहीं है उसका क्या करेगा एग्जामिनर तो अगर समय बहुत कम रह जाए तो सीधा पीएनएल पे शिफ्ट होना और पीएनएल प्रॉफिट निकाल देना एटलीस्ट पांच छह नंबर आ गए ये स्ट्रेटेजीज हैं हर चीज क्लास में डिस्कस्ड है ये काम अपने पास यू करना नहीं तो पहले तुम्हारी बैलेंस शीट हंड्रेड परसेंट केसेस में और फिर पीएनएल बनाना अब सर जी थोड़ा सा आज हमारा टाइम जो है ऊपर जा रहा है क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा था अब इसके बाद लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर आ जाते हैं हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो चुका है जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हर एक चीज हमने बात कर ली है नाउ लेट्स मेक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आईसीआई बेटा अगर क्लासेज यूजफुल हो रही हैं प्लीज जरूर लाइक करके जाना और शेयर जरूर करना यार मैं इतनी दफ़ा देखता हूं कुछ ऐसे लेक्चर्स हैं हजारों में व्यूज हैं लेकिन लाइक्स स्टूडेंट देखने के बावजूद भी उन चीजों को नहीं लाइक करके जाता ऐसा क्यों करते हो यार तुम तुम्हारे लिए यूजफुल है उसको लाइक करो उसको कम से कम शेयर करो दो दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो जाना ही नहीं है एग्जाम्पल वन टू एग्जाम्पल नंबर सिक्स गिवन ऑन फ्रॉम पेज नंबर इलेवन पॉइंट वन फोर बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके दोस्त दो दो नंबर के एम सी क्यू क्वेश्चन में आ सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अलावा इलस्ट्रेशन नंबर वन करना है बुक में से इसके अलावा इलस्ट्रेशन थ्री करना है इन सब को लिख के कर लेना इन सब में कुछ ना कुछ स्पेशल पॉइंटर्स हैं इलस्ट्रेशन चार करना है इलस्ट्रेशन पांच ना कंटिजेंट uh, लाइबिलिटी वाला एक पॉइंट है सॉरी uh, कमिटमेंट वाला एक पॉइंट है इसलिए इलेस्ट्रेशन पांच डाल रहा हूं यहाँ पे कमिटमेंट वाला एक पॉइंट है तो so, पांच करना इस पॉइंट के लिए इलेस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन है जो पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन भी है और साथ ही साथ तुम्हारे लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर में भी आई है तो, इसको तो तुम यह समझ लो कि इलेस्ट्रेशन छे करनी ही करनी है हाथ से लिखनी ही लिखनी है एग्जामिनर की फेवरेट इलेस्ट्रेशन है वो एमसीक्यू नंबर तीन और एमसीक्यू नंबर तीन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर नौ और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर दस ये आपके वो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पास जो आपके पास आपको कर कर जाने ही जाने हैं ठीक हो गई जी बात ठीक हो गई जी बात लिख लिया सबने पूरा लिस्ट अब सर जी इसके अलावा मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस एडिशनली पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चन दिए हैं आपके आईपीएम में डाल के जो बच्चे रेगुलर बैच वाले हैं उनको आईपीएम प्रिंट करने की जरूरत नहीं है जो नॉन आईविजन स्टूडेंट्स हैं इस आईपीएम को प्रिंट कर कर रख लेना फिर बाद में तुम पीडीएफ का एक्सेस मांगोगे तो इन आई को अभी से संभाल लेना तो अब जो ये क्वेश्चन नंबर वन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है ये वो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है जो आपकी सारी चीजें प्रैक्टिस करा देगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये वो क्वेश्चन है बेटा जो आपके पास आपका सीए फाउंडेशन से लेकर जितनी भी एडजस्टमेंट आप फाइनल अकाउंट्स में करते थे वो सब आपको यहां देखने को मिल जाएंगे इस क्वेश्चन को जरूर अपने पास करना मैंने प्लान किया था इसको डिस्कस करने का लेकिन समय बहुत कम है हमारे पास क्लास में हम ऑलरेडी एक्सीड कर चुके हैं हमारे क्लास टाइम को दो तीन मिनट और ऊपर जा चुके हैं तो इसलिए मैं इसको नहीं डिस्कस कर पाऊंगा अदरवाइज बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है जरूर इसको कीजिएगा और इसका सजेस्टेड आंसर भी मैंने साथ में इसके साथ ही डाला है विद कंप्लीट प्रेजेंटेशन जो आपको अपनी एग्जाम में लिख कर आनी है तो एवरीथिंग इज देयर इसके अलावा क्वेश्चन नंबर टू अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर थ्री तीनों ही बहुत अच्छे हैं पर क्वेश्चन वन को जरूर करना क्वेश्चन वन को जरूर करना ये वो देखो वही रहा क्वेश्चन जो मैं अभी आपको मार्क कराया ना इलस्ट्रेशन नंबर छ ये इलस्ट्रेशन छः का भाई है इलस्ट्रेशन छ का भाई जुलाई 2021 में आया था रेगुलर बैच वाला तुम्हारे पास ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में बुक है तो तुम इसको प्रिंट मत करना ठीक होगी बात तो बेटा जी ये ब्रॉडली है हमारे पास हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर आई होप शेड्यूल थ्री से आपके पास उसके डिस्कशन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स पे क्लैरिटी आई होगी उन इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को आपने अपने शेड्यूल थ्री में मार्क किया होगा और आप क्वेश्चन करना शेड्यूल थ्री को रिवाइज करके जैसा आपको रिवाइज कराया है शेड्यूल थ्री का अब क्वेश्चन करना अब बहुत सारी चीजें तुम्हें प्रैक्टिकली समझ में आएंगी कि इंस्टीट्यूट ने ऐसी प्रेजेंटेशन क्यों दी है अदरवाइज हम क्या सोचते हैं इंस्टीट्यूट ओवर प्रेजेंट कर रहा है नहीं जो प्रेजेंटेशन के पॉइंट्स बताए हैं वो बेयर मिनिमम आपकी कॉपी में होने चाहिए आपकी आंसर शीट में. तभी फुल नंबर मिलेंगे चौदह में से चौदह वरना फिर तुम बाद में सवाल पूछोगे इंस्टीट्यूट ने नंबर कहाँ काटे ठीक हो गए जी बात तो मेरे प्यारे बच्चों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ये था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिस्कशन आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी रिविजनरी क्लास अगर यूजफुल रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कम से कम अपने दो दोस्तों के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करना ठीक हो गई जी बात मेहनत करते रहो हार्डवर्क करते रहो आगे बढ़ते रहो रेगुलरिटी मेंटेन करो खुद से वादा करो रोज रेगुलर रहने का अगर हम एक घंटे के लिए भी दिन में रेगुलर नहीं रह सकते तो बेटा फिर हम क्या कर रहे हैं आप रिकॉर्डेड में है लाइव में है इ रिस्पेक्टिव मैं बात कर रहा हूं रिकॉर्डेड वाले को भी वीडियो को लाइक करना है चैनल सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, है लाइव वाले को भी रेगुलर रहना है रिकॉर्डेड वाले को भी रेगुलर रहना है स्टडीज में वट एवर फॉर यू आर वॉचिंग इट इन यू हैव टू बी रेगुलर इन वट एवर यू आर डूइंग ठीक हो गई बात चलिए जी आज के लिए बस फिर इतना ही हम कल फिर मिलेंगे अपने अगले टॉपिक को रिवाइज करने के लिए आई पी ऑलरेडी आपके कोर्स में डाला हुआ है आपके पास अडिशनली हम ये जो नोट्स हैं ये नोट्स भी आपके पास आई विजन की जो वेबसाइट और ऐप है उसके ऊपर अपलोड कर देंगे आफ्टर द क्लास नोटेशंस वाले जो नोट्स होते हैं कैसे वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है प्लस आई विजन के टेलीग्राम ग्रुप जो सी ए इंटर वाला है वहां पर एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो जाकर इन फ्री नोट्स को डाउनलोड कर लो आई फ्री में डाउनलोड कर लो आपके पास आपका सब सारे लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हैं चलो सर शेड्यूल थ्री में मैंने कुछ पॉइंट्स आज पहली बार देखे हैं हमें करवाए ही नहीं थे क्लास में थैंक यू वेरी वेरी मच ओके बेटा मोस्ट वेलकम तभी कह रहा हूं अगर ये यूजफुल है चीज़ें एड ऑन कर रही हैं आपकी लाइफ में कुछ तो इसलिए एक थम्स अप वीडियो को जरूर देना है ठीक हो गई बात चलो ओके टाटा बाय बाय गॉड ब्लेस यू ऑल हार्डवर्क करते रहे मेहनत करते रहें आगे बढ़ते रहे ऑल द वेरी बेस्ट नोट्स को डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो वहाँ से मिल जाएंगे तुमको ओके बाय बाय कल मिलते हैं